नमस्ते, एक बार फिर से सागर फूड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे भेज चाउमीन की रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े भी पसंद करते हैं। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चाउमीन उबाल लेते हैं। चाउमीन के लिए देखिए, एक बड़ा सा कढ़ाई में हम पानी गर्म कर लिए। पानी गर्म हो गया है, इसमें 2 चम्मच के लगभग हम रिफाइंड ऑयल डालते हैं। ये अच्छी तरह से इसको थोड़ा और गर्म होने देते हैं। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चाउमीन डालते हैं। इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से पानी में डुबो देते हैं। ये नूडल्स हम पतला वाला लिए हैं, एक मोटा वाला भी आता है, वो हम यूज नहीं किए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा। इसको अच्छा तरह से उबलने देते हैं। चाउमीन पूरी तरह से उबल चुका है, आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस तरह से देख के आप देखिए पक नहीं रहा है हाथ में। अब इसे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे एक जालीदार बर्तन में आप इसे इस तरह से निकाल दीजिए। इस तरह से हम जालीदार बर्तन में निकालेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। देखिए अच्छी तरह से इसको हम सारे चाउमीन को निकाल लिए। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी देके हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसमें जो फंसा हुआ होगा गाढ़ा पानी वो निकल जाएगा। इस तरह से इसको धो लेंगे। देखिए एक प्लेट में हम ले लिए हैं चाउमीन को। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल के और इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से ये एक दूसरे में चिपके नहीं, इस तरह से आप जरूर कीजिएगा। और उबालते समय जो है ना, आप रिफाइन ऑयल जरूर डालिएगा, उससे आपका चाउमीन खिला खिला रहेगा, चिपकेगा नहीं। इस तरह अब हम इधर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें हम 2-3 चम्मच के लगभग रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं। और इसमें हम 2-3 पीस करी लिए थे लहसुन का, उसको हम कट कर लिए थे, उसको डाल देते हैं। हरी मिर्च सब्जी हम लिए हैं, जहाँ पत्ता गोभी लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं, गाजर लिए हैं, ये तीनों को हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से मिला के 2-3 मिनट तक चला लेते हैं। ज़्यादा सब्जी को नहीं पकाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको धीमी आंच में चला लेंगे। सब्जी हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, अब जितना पकाना है उस लेवल से हो चुका है। अब इसमें हम चाउमीन डाल देते हैं। गैस को कम कर देते हैं। इसके ऊपर सब्जी के साथ में मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एकदम हल्का नमक डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून काला मिर्च पाउडर, सोया सॉस 1 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 1/2 टीस्पून अब हम इसमें अजीनोमोटो डाल देते हैं। इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए हमारा चाउमीन लगभग बन के तैयार है। इसे 2-3 मिनट तक हम और चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से चाउमीन फ्राई हो जाए, क्योंकि हमें लाल फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से इसको मिलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हैं। थोड़ा सा इसमें हम टमाटो सॉस भी डालेंगे, 1 चम्मच के लगभग टमाटो सॉस डाल दिए। अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए हमारा चाउमीन बनके तैयार है। अब इसे हम सर्व करते हैं इस तरह से। देख लीजिए बहुत सुंदर लग रहा है चाउमीन देखने में, और हमें उम्मीद है कि आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको खाने में अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चाउमीन बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। इसे आप एक बार घर पर जरूर बनाएं। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्ते।